एक टेस्ट लूंगा आप सबका। What's going on, dude? यार ये उल्टा है क्या? अटेंडेंस पीरियड के एंड में लेता है और टेस्ट पढ़ाने के पहले। इस टेस्ट से मुझे पता चलेगा कि आज तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, उसमें से क्या क्या रिटेन किया है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली मुझे पता चलेगा कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आप लोग। देखिए, इससे मुझे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। इसके लाइफ में जहां भी, जिससे भी, जो कुछ भी सीखा है, सब याद कर लीजिए और इन कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। ये सब मुझे नीचा दिखाने के लिए हो रहा है। पता है ना कि एक मैं ही हूं यहाँ जिसने इन सब की तरह किसी अच्छे स्कूल से प्रॉपर पढ़ाई नहीं की। इससे पहले कि तुम्हारे बारे में कोई नई राय बनाऊं, समझ लेना चाहता हूं कि इन 2 सालों में क्या क्या बदला है, स्पेशली तुम्हारी सोच में। We'll start with the test. रिंग बज रही है लेकिन नायरा फोन ही नहीं उठा रही। हेलो पापा। प्रिंसेस कहाँ हो तुम? पापा आवाज कट कट के आ रही है। पापा मैं कॉलेज से निकल रही हूँ, बस घर पहुंचती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। ओके बेटा। थैंक्स यार। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया बट मैंने तुम्हारे सारे आंसर्स कॉपी किए है ना गज, प्रोफेसर के बिल्कुल सामने बैठ के कॉपी किया। वैसे आई नहीं हूँ कि उनका सारा ध्यान तो तुम पर ही था, काफी लॉस लॉस लग रहे थे। आई मीन तुमने उनको कल बहुत गुस्सा दिलाया था ना, शायद घूर घूर के देख रहे थे। पर मुझे समझ नहीं आता, अभी तुम उनकी बाहों में गिर जाती हो, कभी उनको कुछ बोल नहीं पाती हो, क्रश वश तो नहीं हो गया तुम्हें उन पर? हेलो कुणाल। हाँ अपनी कहानी लिखूं
रोते हुए पल में बस तेरी जुबानी बहु ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता बस तेरे बन के ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता बस तेरा बन के रहूं ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने चोटें खानी है मुझे लाइफ में गंगा मैया ओह नो आंसर शीट्स पर कॉफी गिर गई साइको है यार नया प्रोफेसर पहले दिन ही टेस्ट और पहले दिन ही रिजल्ट ऐसा कोई करता है क्या यार हाँ यार जब देखो नैना के पीछे पड़े रहते लगता है आंटी जी और अंकल जी का कुछ तो कनेक्शन है हे हे डोंट कॉल हिम अंकल जी ओके बहुत हार्ट है वो मिस सिंघानिया ये आपके लिए वो आपका नाम चेंज करना था ना सिस्टम में हो गया नाम चेंज मतलब तुम्हारा नाम नायरा है नैना नहीं तो फिर तुमने सबको नैना क्यों कहा जस्ट अ मोमेंट जो बात हम लोग को नहीं पता वो बात प्रोफेसर को कैसे पता चली अरे वो सिस्टम से अपडेट होके आया होगा ना इसलिए पता चल गया होगा है ना हे गाइस 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 हमारे टेस्ट का रिजल्ट आ गया ओ वाओ इसमें तो सभी पास हो गए हैं यार नहीं सब नहीं एक का रीटेस्ट है इसका नैना
मुझे पहले ही पता था, गुस्सा तो निकालना ही था ना, गलती खुद की और सजा दूसरों को। ऐसे कैसे तुम्हें रीटेस्ट दिया है? चलो ऑफिस में कंप्लेन करते हैं, चलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी कोई कंप्लेन। क्यों नहीं करनी कंप्लेन? अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो वी हैव टू मेक हिम रियलाइज ना। इट्स ओके, क्या पता मेरा टेस्ट सच में अच्छा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो मेरा भी रीटेस्ट होता ना। मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम्हारे सारे आंसर्स मैंने कॉपी किए थे। सो यू हैव टू कम विद मी नाउ। चलो चलो, चलना मेरे साथ यार। तुम नहीं आओगी तो भी मैं कंप्लेन करूंगी, सो इट्स बेटर यू कम। तभी सर हमें कंप्लेन करनी है प्रोफेसर कार्तिक गोइंगा के अगेंस्ट। पूरी क्लास को टेस्ट में पास किया है, बस इसे रीटेस्ट दिया है। आप प्लीज उनसे कहिए कि इसे भी टेस्ट में पास करना होगा, प्लीज। सॉरी मिस, ये नहीं हो सकता। क्यों? हम कौन होते किसी प्रोफेसर से ये सब कहने वाले कि स्टूडेंट को पास करना है या फेल। वैसे भी वो सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं बल्कि हमारे नए ट्रस्टी भी है। पर नैना, आई मीन नायरा को प्रोफेसर कंप्लेन करनी है। सॉरी मिस। आप एक मिनट बाहर वेट करेंगी प्लीज। ओके। ये इनका पेपर है। कैंटीन में गलती से किसी का धक्का लगा तो कॉफी गिर गई इस पे, पेपर खराब हो गया। अब अगर मैं आंसर्स पढ़ ही नहीं सकता तो मार्क्स किसे दूंगा उस पर? अब ऐसे में रीटेस्ट करना तो पड़ेगा ही ना। ये रीटेस्ट के क्वेश्चंस हैं। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।